सेल्स रेशो, ठीक है जी। स्टेप वन लिख लो प्लीज, आराम से लिख लो मेरे बेटे। बेटे स्टेप वन ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेप टू टाइम रेशो एंड सेल्स रेशो, स्टेप थ्री बेटे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो दो हिस्सों में बनेगा। प्री एंड पोस्ट के दो दो कॉलम्स बनेंगे। अभी मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, अभी आराम से पहले स्टेप थ्री लिख लीजिए। फॉर्मेट की स्लाइड अगली अभी बता रहा हूँ, ठंड रखिए थोड़ा सा, जल्दबाजी ना कीजिए और लिखते रहिए साथ साथ। आप समझदार बच्चे हैं इसलिए लिख रहे हैं। लो बेटे फॉर्मेट लिख लो, पहले फॉर्मेट बेटे ट्रेडिंग अकाउंट का लिख लो। अधिक कर दी ठीक है बेटे, पहले आराम से ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट लिख लीजिए। आप में से कुछ बच्चों ने भी मुझे बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने बना दिया है। 11वीं क्लास में आपकी मैडम ने बताया था, टू ओपनिंग स्टॉक, टू रॉ मटेरियल परचेस्ड, टू डायरेक्ट लेबर बेटे, टू फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट मेरे बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स, बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिखा है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर। अब बेटे ट्रेडिंग अकाउंट 12 महीने का बनेगा। मान के चलिए कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट 12 महीने का बनेगा, सेल्स 12 महीने की, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2015 को, रॉ मेटेरियल परचेजेस 12 महीने की, वेजेस 12 महीने की, फैक्ट्री ओवरहेड 12 महीने का। तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट भी तो 12 महीने का आएगा। अभी 12 महीने का करेंगे ठीक है जी। फिर आइए जी टाइम रेशो कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू टाइम पीरियड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। टाइम रेशो निकाल रहे हैं बेटे, टाइम रेशो क्यों निकालेंगे अभी बताऊंगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 अप्रैल को आपने पेपर्स फाइल किए और 30 जून को आए, तो बेटे 3 महीने तो प्री हो गए और बेटे 9 महीने पोस्ट हो गए। तो बेटे 3 महीने, 12 महीने में से 3 महीने तो प्री में चले जाएंगे और बेटे 12 महीने में से 9 महीने पोस्ट में चले जाएंगे। तो बेटे रेशो क्या होगी, 3:9, 1:3, तो वही लिखा है बेटे। टाइम रेशो के बाद बेटे सेल्स रेशो लिख लें। सेल्स इन द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू सेल्स इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सेल्स रेशो, सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू सेल्स इन पोस्ट, मतलब उन 12 महीने की जो सेल हुई थी उसमें 3 महीने का जो सेल था, शुरू के 3 महीने अप्रैल मई और जून, उस सेल को हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन सेल। मतलब सेल्स इन 3 मंथ्स, मतलब सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू सेल्स इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। बेटे पूरी दुनिया में यही होता है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। अब आपने ये फॉर्मेट अगर लिख लिया हो, ट्रेडिंग अकाउंट का लिख लिया हो, टाइम रेशियो लिख लिया हो, सेल्स रेशियो लिख लिया हो, तो लास्ट आप इस ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट लिख लें स्टेप थ्री का। बेटे बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट है,
फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, मैं वैसे इसको आपको बता दूंगा कि किस तरह से आएगा ये फॉर्मेट, मैं बता रहा हूं बेटे। लो बेटे मैं बना के दिखा देता हूँ, फॉर्मेट लिखो, लिखो बेटे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे ये फॉर्मेट आपके सामने बना दिए, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे ये अभी पहले देख लो मैं कैसे बना रहा हूं बेटे। ये बेटे मैंने एक कॉलम बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा बनाया, आराम से बेटे। ये डेबिट साइड है मान के चलो, और ये क्रेडिट साइड है। यहां लिखा बेटे पर्टिकुलर्स, यहां लिखा बेटे बेसिस, अभी बताऊंगा, यहां लिखा है प्री और यहां लिखा है पोस्ट। बिल्कुल उसी तरह से राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं बेटे पर्टिकुलर्स। बेटे यहां लिखा है बेसिस, बेटे यहां पर प्री और बेटे यहां पर पोस्ट। आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं। पर्टिकुलर्स बेसिस प्री पोस्ट, पर्टिकुलर्स बेसिस प्री पोस्ट। आराम से बेटे हेडिंग लिख दीजिए फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप ये बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट से आया होगा। अच्छा ये चीज बताइए मुझे, मैंने अब आपसे ये बात पूछनी है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कितने महीने का है, ये 3 महीने का है या 9 महीने का या 12 महीने का। तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट जो है, मैंने कहा सारी फिगर्स आपको 12 महीने की दी जाएंगी, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही 12 महीने का बनता है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ग्रॉस प्रॉफिट टाइम से रिलेट करता है या सेल्स से रिलेट करता होगा, मतलब अगर आपके पास दो चॉइस हो कि उसको हम टाइम रेशो, क्योंकि ये तो 12 महीने का है, अब मुझे इसका संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद। मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूं कि अगर मुझे इसका संधि विच्छेद करना है, तो मैं यही बात पूछ रहा हूं कि इसका संधि विच्छेद मुझे करना है कि अप्रैल मई और जून का अलग करना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का अलग करना है। तो मुझे 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 टाइम रेशियो से इसका संधि विच्छेद करना चाहिए या सेल्स रेशियो से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट को हम सेल्स रेशियो से रिलेट करते हैं, क्योंकि बेटे ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल्स से रिलेट होता है। बेटे ग्रॉस प्रॉफिट इज रिलेटेड विद सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट इज रिलेटेड विद सेल्स। तो आपको अब यह पहचानना है कि कौन से खर्चे सेल से होते हैं या कौन सी आइटम टाइम से होती है। जैसे मैं आपके सामने रखूं, सैलरीज, वेजेस, एडवर्टिजमेंट, आपको अलग अलग प्रकार के खर्चे दिए जाएंगे, एडवर्टिजमेंट, सेल्समैन्स कमीशन, बैड डेट्स। एक बच्चा कहता है मास्टर तू बेवकूफ है, तू ऐसा क्यों नहीं करता, ये जो खर्चे हैं सैलरीज और वेजेस इनकी जगह फिक्स्ड क्यों नहीं लिख देता, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे बेटे, और बेटे ये जो 3 है इनकी जगह हम लिख सकते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटे। अब आप ये बताइए जी, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं सैलरीज और वेजेस, हम किस तरह से देते हैं, टाइम के हिसाब से देते हैं। अब ये 12 महीने की है तो हमें किस रेशो से रिलेट करना चाहिए, टाइम रेशो से।
और जो खर्चे वेरिएबल हैं टाइम के हिसाब से नहीं होते, सेल्स के बेसिस में हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सेल्स से रिलेट करती है, सेल्समैन कमीशन सेल्स से रिलेट करता है, बैड डेट सेल्स से रिलेट करता है, इनको सेल्स रेशियो में करना है। एक बच्चे का तो मुंह ही फीका पड़ गया मेरे बेटे, वो कहने लगा ये तो रटना पड़ेगा कि कौन सा टाइम से और कौन सा सेल्स से, जैसे दो दिन से खाना ही ना खाया हो। बेवकूफ है वो बच्चा, क्योंकि यहाँ पे रटना नहीं है भूपेश आनंद की क्लास में, कुछ रटना नहीं है बेटे, लॉजिक है। आज YouTube के जितना मर्जी वीडियो देख लीजिए, इस जैसा वीडियो आपको मिलेगा नहीं दोस्तों, पढ़ाना छोड़ दूंगा, कोई स्लाइड से नहीं करा रहा, मैं ही करा रहा हूँ, कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट की पीपीटी मैंने प्रिपेयर की है, बुक मेरी बेस्ट है, और ये मैं खाली कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आपको खुद भी पता है, आपके पास बुक है, आप चेक करके देखिए। इसका मतलब कुछ ऐसे खर्चे जो टाइम से रिलेट करते हैं हम टाइम से करेंगे, और जो उससे रिलेट करते हैं उससे करेंगे, बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटे, तो मैं यहां पर लिख चुका हूं, क्या लिखा था मेरे बेटे, कहां पे चला गया बेटे, क्या चले गए मेरे बेटे, लो बेटे मैं यहां दोबारा लिखता हूं बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग प्री स्लैश पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पोस्ट स्लैश प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। लो बेटे, वो बेटा स्लाइड था मैंने भी बनाई थी, आगे पीछे हो गई बेटे, बेटा ढूंढने में टाइम लगेगा, और मुझे सेवा भाव है आपके अंदर, मेरे को आपके समय की कीमत है, इसलिए मैं यहीं पर दोबारा लिख रहा हूं बेटे, ये मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स बेटे, ए बेटे नाराज ना होना बेटे, आपके फायदे के लिए तो बेटे सारे वीडियोस में अपलोड करा रहा हूं बेटे यूट्यूब में, नाराज ना होना मेरे बेटे, बेटे मोहब्बत ऐसे नहीं होती, ये मेरा सेवा भाव है ना बेटे, ये लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया बाय बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटे जिस बेसिस पे होगी उसका बेसिस लिखते जाएंगे, जैसे ये सेल्स रेशो पे होगी तो मैंने बेसिस पे लिख दिया सेल्स रेशो, जितनी भी सेल्स रेशो होगी हम उसके हिसाब से प्रीमियम और पोस्ट में बाइफरकेट कर देंगे। यहां पे लिखिए टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस, बेटे कुछ खर्चे फिक्स्ड इन नेचर के होते हैं, टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जैसे जैसे सैलरी पे करना, जैसे वेजेस पे करना, और बेटे फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हम टाइम रेशियो में करते हैं, तो बेटे टाइम रेशियो में कर देंगे, ठीक है जी। टू वेरिएबल एक्सपेंसेस, या आप सेलिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, टू वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, तो बेटे ये सेल्स रेशो में होते हैं, तो बेटे यहां पर जितने पहले आएंगे पहले, जितने बाद में आएंगे बाद में मेरे बेटे। बेटे एक चीज मैं बता दूं, शुरू के 3 महीने में पार्टनरशिप फॉर्म थी, वो बेटे पार्टनर्स को पार्टनर्स की सैलरी मिलती है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, लेकिन बेटे 9 महीने वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं थी, तो मैं यहां लिख रहा हूं टू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू
partnership firm only. Two expenses related to partnership firm. Partnership firm only. बेटे, ए बेटे, ए मेरे बच्चे, exclusive, exclusive in pre. लो बेटे यहाँ तो लिखेंगे नहीं. यहां तो लिखेंगे नहीं टू. अब बेटे आखिरी के जो 9 महीने थे वो डायरेक्टर थे और डायरेक्टर को सैलरी मिलती है और बेटे कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट भी शुरू करती है, पे करती है. इसका मतलब कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हमें विभाजित नहीं करने, जो 9 महीने के लिए ही थे और इसलिए हम यहां लिख रहे हैं टू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ कंपनी. कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कंपनी से ही रिलेट करते हैं. तो मैं यहां लिख रहा हूं एक्सक्लूसिवली इन पोस्ट, खाली पोस्ट में लिख बेटे, खाली पोस्ट में लिखेंगे मेरे लाल, खाली पोस्ट में लिखेंगे. अब यहां पर जो प्रॉफिट लास्ट में आएगा ये 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 और ये बेटे, ये बैलेंसिंग फिगर ही तो होगी. हद कर दी बेटे, ये बैलेंसिंग फिगर ही तो होगी. ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी और ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी इसका नाम होगा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और बेटे इसका नाम होगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट. आराम से लिख लो बेटे. कोई जल्दी तो है ही नहीं ना बेटे. प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट. तो अब आपको समझ आ गया ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, टाइम रेशो कैसे निकलेगी, सेल्स रेशो कैसे निकलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे. अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको कुछ बातों का ज्ञान होना ही चाहिए तभी आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी बात और लिख लें और फिर हम एक क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और वो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बढ़िया होगा. तो आप कंसेप्ट नंबर 5 एक बार लिख लें. ये लीजिए, ये लिखिए, या एफ पॉइंट आ गया लिख लीजिए. उसी कंसेप्ट नंबर 4 चल रहा था, इसी कंसेप्ट नंबर 4 का लास्ट पॉइंट लिख ले फिर हम आगे चलेंगे. लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड. इसमें भले कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो अभी पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल ना हो, लेकिन इकट्ठी लिख लेंगे. सारे क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होगी, तो पहले लिख ले. मैं अगली क्लास में बुक का पूरा फॉर्मेट और बताऊंगा, लेकिन मैं आज पहला क्वेश्चन तो जरूर करूंगा जिससे कि आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड. पहली बात लिखी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स. ये प्रभाविक सी बात है, स्वाभाविक बात है, आपको रटनी नहीं है. अगर सेल्स रेशियो नहीं बता तो फिर टाइम रेशियो. अब कुछ खर्चे मैंने लिख दिए इस रेशियो में, वो कुछ भी लिखना है, खाली याद कुछ नहीं करना. अमाउंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में करते हैं. If any expense is not classified as selling expense, then such expenses can be divided on the basis of time ratio. मान लेते हैं कुछ सेल्स में नहीं कर सकते तो उनको टाइम रेशियो से करेंगे, जैसे रेंट, जैसे सैलरीज. जैसे एक मूवी आई थी 1942 लव स्टोरी, एक लड़के ने एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, जैसे खिलता हुआ गुलाब, जैसे सर्दी की धूप, जैसे गर्मी का एसी. तो बेटे वैसे ही है, जो सेल्स में नहीं होंगी वो टाइम पे होंगी. ब
बेटा ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की जगह का मतलब है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पहले डी पॉइंट लिख लें। बड़ी मेहनत से बेटे स्लाइड्स बनाई है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं की। आप यूट्यूब की सारे वीडियो चेक करना और मेरी कंपेयर करना, आप मेरे में नंबर ज्यादा दोगे बेटे। बाकी तो जो बनाई है वो फॉर्मेलिटी से बनी हुई है बेटे। बेटे स्पेलिंग ठीक कर लेना, देन सच एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द हेडिंग ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। डायरेक्टर फीस, जैसे मैंने कहा था कंपनी बनने के बाद ही डायरेक्टर बनते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटन ऑफ मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ और एनी अदर सिमिलर एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। बेटे जब कंपनी बनती है ना तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी सेक्रेटरी, जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बेटे उस पे जो खर्चा होता है ना वो प्रीलिमिनरी होता है, तो बेटे उसको राइट ऑफ करना होता है ना, ठीक है। मैंने लिखा है जी ई पॉइंट में, इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ टाइमलाइन एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। आपको पहले एक टाइमलाइन बनानी चाहिए और फिर क्वेश्चन करना चाहिए। समय की रेखा, मैं समय हूं, मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं, तो समय की रेखा बनाइए। बेटे एफ पॉइंट लिख लीजिए, अभी बाद में समझाऊंगा। ठीक है बेटे, बस लिखना नहीं है बेटा, खत्म हो गया। अब आप सभी बच्चे क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर वन। आप एक बार खोल लें और चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बेटे आओ आओ मेरे बेटे, मैं बेटा सीधा क्वेश्चन में आ रहा हूं। मैं चाहता हूं बेटे एक क्वेश्चन तो जरूर करा दूं। ये बेटे मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया, ये क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे कंसेप्ट नंबर 1-4 तक लिख लिए हैं। वैसे मैंने 1-6 तक के कंसेप्ट्स के यहां लिखे हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और बेटे मैंने हेडिंग लिखी है व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज गिवन, व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूरा लिख ले बेटे, प्रिंटिंग मिस्टेक हैज बीन स्पेसिफाइड। व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हैज बीन स्पेसिफाइड, जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी जा चुकी हो उसको बोलते हैं बेटे। ये क्वेश्चन करेंगे, दिसंबर 2013 में आ गए, मैंने वैसे नीचे आंसर भी लिख दिया, लेकिन अब आंसर नहीं देखेंगे पहले, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। स्टार लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st July 2012। कमर सीधी कर ले बेटे, आप बेड पे लेट के लैपटॉप पे देख रहे हैं तो महा बेवकूफ है, और अगर आप कमर झुका के देख रहे हैं तब भी बेवकूफ है। विद्या की देवी तभी आती है जब आपकी कमर सीधी हो। बेटे कमर सीधी कर लें, आराम से टेबल में बैठे और मेरी बातों को सुने। स्टार लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st July 2012 टू एक्वायर अ रनिंग बिजनेस, अंडरलाइन कर दीजिए रनिंग बिजनेस, 1 अप्रैल 2012 से पहले का बिजनेस चल रहा है,
और 1 अप्रैल 2012 में भी चल रहा था और उसको कंपनी में बनाया गया और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई को मिला, 3 महीने बाद मिला, ठीक है जी। और आपके अकाउंट्स बंद हो रहे हैं 31 मार्च 2013, ठीक है जी। देयर वॉज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। अब बेटे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे दिया है, एग्जामिनर का थैंक यू बोलना चाहिए, बोलो थैंक यू बेटे। आपको उसने ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं दी क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। और बेटे जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो फिर तो टेंशन ही नहीं है बेटे, फिर तो सीधे ही आगे चल सकते हैं, ठीक है जी। द सेल्स फॉर द फर्स्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹12 लाख। वो कहता है जी 12 महीने की सेल 12 लाख की है, जिसमें से 2,40,000 की सेल पहले 6 महीने की है। The expenses debited to profit and loss included. The expenses debited to profit and loss included. वो कहता है ये कुछ खर्चे हमने profit and loss में debit किए, वो ये वाले हैं। Director fees debit किए, bad debts debit किए, advertising debit किए, salary debit किए, preliminary expenses debit किए और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी किया है। तो कह रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। बेटे 5 मिनट की बात है, अगर आप ईमानदारी से रजिस्टर खोल लें, कैलकुलेटर खोल लें और जैसे जैसे मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ बना लें, सवाल कह सकता हूँ आपको 100% समझ आएगा बेटे। आपको फील ही नहीं होगा कि आप यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास में बैठे हैं। आइए मैं आपके सामने भगवान को हाजिर नाजिर रखकर, अल्लाह मियां को हाजिर नाजिर रखकर आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूं पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो पहला क्वेश्चन है जी, मैंने जैसे बताया कि आपको पहले इसमें एक टाइमलाइन जरूर बनानी चाहिए। ये टाइमलाइन है बेटे, बेटे ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है और ये बेटे एंड ऑफ ईयर है। और बेटे यहां पर झंडा फहरा रहा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बेटे ए मेरे बेटे, ए बेटे, ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटे, देखो ना बेटे, देखो ना, देख भी तो नहीं रहे आप, देख लो ना, अप्रैल मई जून। बेटे ये 3 महीने प्री के हैं ना, वो बेटे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, बेटे ये 9 महीने है ना, ये 9 महीने पोस्ट है। और बेटे ये 3 महीने प्री है, आराम से, कोई जल्दी तो है ही नहीं, एक क्वेश्चन ही करना है इसके बाद करेंगे ही नहीं, टेंशन ही नहीं है, आराम से देख लीजिए। 3 महीने प्री है और 9 महीने पोस्ट है, 3 मंथ्स प्री एंड 9 मंथ्स पोस्ट, ठीक है जी। ये प्री के महीने हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, आराम से। तो मैं टाइमलाइन बना चुका हूं, मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बना चुका हूं, मैं वर्किंग नोट नंबर 2 प्रिपेयर करूंगा। टाइम रेशो मैंने लिख दिया जी, टाइम रेशो, टाइम पीरियड इन प्री इनकॉर्पोरेशन या प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड। बेटे ये 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 3 महीने और ये 9 महीने, तो बेटे रेशियो लिख लीजिए 1:3। कहा नहीं भी जाए तब भी आप रेशियो लिख लेंगे क्योंकि इसका अब हम यूज करेंगे, यूज करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे,
चलो बेटे वर्किंग नोट थ्री सेल्स रेशियो, सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन, सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू सेल्स इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। बेटे सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन इज टू सेल्स इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, यही तो होती है सेल्स रेशो। वो कहता है जी 12 लाख रुपए की हमने 12 महीने में सेल किया है, और ये भी कह रहा है जी 240,000 की पहले की है। तो बेटे कैलकुलेटर बाहर निकाल लो, 12 लाख में से अगर मैं 240 लेस कर दूं तो बेटे बैलेंस कितनी बचती है, 9,60,000। आराम से बेटे 12 × 24 12×8 आराम से बेटे, आराम से 12 लाख रुपए की -240। अच्छा बेटे मेरी गलती है, वो कह रहा है 6 महीने की प्री है। मैं कहूं क्या बात होगी, ठीक है बेटे मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं। वो कह रहा है जी 12 महीने की, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने की अगस्त। बेटे वो कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो कह रहा है कि इन 6 महीनों में तो सेल थी 240,000। इसका मतलब अगले 6 महीनों में सेल होगी 9,60,000। पहली बात तो ये समझ लो, क्यों? क्योंकि 12 महीने में सेल कितनी है बेटे, 12 लाख। और बेटे अगर मैं कह दूं 6 महीने में 240,000 तो 1 महीने में ऑन एन एवरेज कितनी आई, अप्रैल के महीने में कितनी आई, 40,000। मई के महीने में कितनी आई, 40,000। जून के महीने में कितनी आई, 40,000। इसका मतलब ये जो 3 महीने है बेटे ये प्री के है ना, जब मैं कहता हूं 6 महीने में 240 है तो बेटे 1 महीने में 40 की ना हुई तो 120 ना हुई। अब आप बताओ अगर मैं 12 लाख में से 120 लेस कर दूं तो बेटे ये बचता है 10,80,000। अप्रैल मई जून की सेल 1,20,000 है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल 10,80,000 है। तो अब आप इसकी रेशो निकाल लें, 1,20,000 इज टू 10,80,000 1:9 है मेरे बेटे। आराम से, कोई जल्दी नहीं बेटे, प्यार से करेंगे, होले होले धीरे धीरे प्यार से करेंगे, जल्दी तो है ही ना बेटे, बिल्कुल फेस टू फेस का टच देना मेरे बेटे, आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं है बेटे। मैं मेन आंसर की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं मेन आंसर, और हेडिंग लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग pre/post incorporation profits। लो बेटे, बेटा पहला क्वेश्चन है ना, आप इसी तरह से करें जैसे मैंने फॉर्मेट दिया, वैसे फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बेटे अभी ऐसे ही करें, कसम से कहता हूं ज्यादा समझ आएगा। मैंने बेटे अपनी CA, मैंने अपनी CS, मैंने अपनी CMA ऐसे ही कंप्लीट किया है, लॉजिक्स के साथ किया है, और मेरे को यही मन में आ रहा है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, अब मैं आपको ये ज्ञान बांटना चाहता हूं। आप प्लीज इसको ऐसा समझ लें कि आपके लिए बहुत प्रीशियस है, और जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे करते जाएं तो बेटे काम ज्यादा चलेगा, इस बात की आपको गारंटी है बेटे 100% की। लो बेटे लाइन भी डेडी हो गई, पर्टिकुलर्स ये भी पर्टिकुलर्स, लो बेटे
सबसे पहले मेरे बेटे मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहा हूं, और बेटे ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल से रिलेट करता है, वो बेटे 3 लाख का है, और बेटे मैं इसको 30,000 यहां लिख रहा हूं और 2,70,000 यहां लिख रहा हूं। कसम होगी अगर कैलकुलेटर से ना किया, 3 लाख को 1:9 की रेशियो में बाफेगेट करें, बिल्कुल ऊपर से शुरू कर दिया मैंने क्वेश्चन, सेल्स में ले चुका हूं डायरेक्टर फीस। बेटे एक चीज बताओ, डायरेक्टर तो तभी बनेगा ना जब कंपनी बनेगी, तो यहां लिख दो एक्सक्लूसिवली पोस्ट, एक्सक्लूसिवली पोस्ट। लो बेटे 15,000। बेटे बैड डेट्स कब होंगे? बेटे बेटे शायद कहां होगा जहां मक्खियां होंगी, बेटे बैड डेट्स तो तभी होंगे जब सेल्स होगी, इसलिए बैड डेट सेल्स रेशियो में परफेक्ट होने चाहिए। लो बेटे आराम से, बेटे कोई जल्दी तो है ही नहीं, 3,600 को मैंने 1:9 की रेशियो में बाफिकेट कर दिया। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर। मेहनत करनी है मेरे बेटे, मेहनत से ही भगवान मिल जाते हैं बेटे। ये तो सीएस है, टू एडवर्टाइजिंग। अब बेटे वैसे एडवर्टाइजिंग तो सेल्स रेशियो से रिलेट करता है, लेकिन यहां लिखा है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू ₹1,000 पर मंथ। यहां पर एडवर्टाइजिंग टाइम से रिलेट कर रहा है बेटे, क्योंकि हम 12,000 दे रहे हैं और 1,000 एक महीने का है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटे, मैं लिख रहा हूं 1:3। तो बेटे 3,000 यहां लिख दिया, 9,000 यहां लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूं बेटे टू सैलरीज। बेटे सैलरीज और जनरल एक्सपेंसेस टाइम रेशियो से रिलेट करता है मेरे लाल, मेरे बच्चे टाइम से विभाजित करना 64,000 को मेरे बेटे। एक मास्टर एक बच्चा कह रहा मास्टर पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी कैसे लिख रहा है। बेटे मैं बीच में रुक भी तो रहा हूं, आपको मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेटर से कर लेना, मैं तो सीएस बन गया ना बेटे, मैंने तो कैलकुलेशन से फिर भी कर रहा हूं बेटे आराम से। मैंने सैलरी तक लिख दिया है, मुझे बस दो खर्चे लिखने हैं और मेरा प्रॉफिट आ गया, मेरा आंसर आ गया, आज का लेक्चर कंप्लीट है। आज बस 2 मिनट की बात रह गई मेरे बेटे, सिर्फ 2 मिनट की तो बात रह गई। टू बेटा ये जो खर्चा है ना प्रीलिमिनरी का, ये मैं अलग से अभी नोट लिखवाऊंगा, अभी लिख ले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मैं लिखवाऊंगा, अभी बेटे एक्सक्लूसिवली पोस्ट में लिख दें, मैं अभी लिखवाऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं एक्सक्लूसिव इन पोस्ट। वैसे यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, आप लिख लें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ ₹5,000 फ्रॉम पोस्ट प्रॉफिट्स। मैंने बुक में ठीक कर दिया है, ये देख लीजिए, आप भी लिख लें प्लीज फ्रॉम पोस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है जी, ठीक है सर। अब वो लिखा है कि टू डोनेशन, वो कह रहा है कंपनी ने दी है, तो डोनेशन भी बेटे मैं लिख रहा हूं एक्सक्लूसिवली पोस्ट 5,000। बेटे कंपनी ने दिया तो पोस्ट में तो होगी, अगर कंपनी ने दिया तो पोस्ट में तो होगी। ये मेरे बेटे, ये मैंने टू प्रॉफिट निकाल लिया है, ये बेटे आपने निकाला है, मैं रुक गया हूं आराम से। बेटे ये जो फिगर है वो आएगी 10,640, और ये जो फिगर है मेरे बेटे 85,240 है। आराम से मैंने तो देख के लिख दिया, आप खुद करें, 30,000 में से जब आप ये लेस कर देंगे तो फिगर आ रही है 10,640, और पोस्ट कॉलम में आ रही है 85,240। बेटे यहां लिख दें रिकमेंडेशन, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड दैट प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स आर
pre-incorporation profits are ₹10,640 being non-recurring in nature. या ब्रैकेट में लिख लें कैपिटल प्रॉफिट्स, ब्रैकेट में लिख लें कैपिटल प्रॉफिट्स, फिर लिख लें एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन of dividend, cannot be used for distribution of dividend. आराम से बेटे, कुछ जल्दी थोड़ी है, हमने कुछ करना नहीं, आगे खत्म हो गया, आज की क्लास खत्म है, एक मिनट की बात तो रहेगी, आराम से लिख ले. Cannot be used for dividend. फिर लिखें the management may further be advised. The management may further be advised that post incorporation profits are rupees 1,84,760. यही था ना बेटे? नहीं नहीं बेटे, मेरी गलती है, 85,000 बेटे, मेरी गलती है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कितने थे बेटे? अच्छा बेटे, यहां पर मैंने गलत लिखा है, ये बेटे आ रहे हैं 1,84,760, 1,84,760, ये मैंने बेटा गलत लिख दिया था, 2,70,000 में से माइनस 15, माइनस 3,240, माइनस 9,000, माइनस 48,000, माइनस 10,000, ये बेटे 1,84,760 बिल्कुल अब ठीक है बेटे, मेरी गलती थी, मैंने ठीक कर दी बेटे, भूल सुधार किया है, आर 1,84,760 ब्रैकेट में रिकरिंग इन नेचर, दैट इज डिविडेंड कैन बी declared out of these profits. इसका मतलब हम dividend दे सकते हैं, declare कर सकते हैं इन profits में से. Please आराम से लिखिए. Homework में अभी हम देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं. मेरा मन है कि पहला question एक बार दोबारा से आप घर जाकर करें. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पहला क्वेश्चन दोबारा से घर जाकर करेंगे और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है और फिर 4 करना है. ये दो क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिकली, बाकी की बात मैं नेक्स्ट क्लास में बुक के साथ, बुक पूरी लेकर आए, बुक के साथ बताऊंगा, थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे. आराम से होमवर्क जरूर लिखें, फर्स्ट थर्ड फोर्थ. चलिए जी आइए हम शुरू करें. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. हम आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं तीन बार लिखें, आप तीन बार बोलें, बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल. बेटे कहते हैं हम जो बोलते हैं वो हो जाता है, और अगर हम खुश रहते हैं तो दुनिया की सभी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं. तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको चाहता हूं कि खुश रहें. शब्बा खैर, हम फिर मिलेंगे, मिलते हैं.